नहीं, चलिए ये लगभग स्पष्ट ही है कि महाराष्ट्र बीजेपी में पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की नाराजगी की खबर आ रही है। इन्होंने छोड़ी थी अपनी सीट पीयूष गोयल के लिए, जब पीयूष गोयल को वहां से चुनाव लड़ना था, लेकिन बोरीवली से हो गई संजय उपाध्याय की उम्मीदवारी, इस पर नाराज हैं। ये छोटी छोटी नाराजगी तो प्रेम शुक्ला जी आप लोगों को भी सामना करना ही पड़ेगा, और ये छोटी नाराजगी एक सीट की कीमत पे आ सकती है। नेताजी गोपाल भाई जो है हमारे बहुत ही कुशल, निष्ठावान, समर्पित जो है नेता है। समझा लेंगे, विश्वास है कि उनकी नाराजगी समाप्त होगी और जो पार्टी का निर्देश होगा उसको हर कोई स्वीकारेगा। ठीक है, आनंद दुबे जी अपनी बात रखिए। श्वेता जी, ऐसा है कि अभी बीजेपी पे तो बाद में आऊंगा, अभी लोग सब लोग विकास विकास की बहुत बात कर रहे थे। अरे भाई, विकास हुआ है ना? एक एक विधायक के नेता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज 40-40 विधायक लेके भाग गए, हुआ है विकास? उनके उनके एमएलओ के विकास हो गए। उसके बाद जो हमारे रोजगार थे वो दूसरे राज्यों में चले गए, खूब युवाओं का विकास हुआ है। जो हमारी माताओं बहनों की शक्ति सुरक्षा का कानून था वो आज तक लंबित है, खूब विकास हुआ है। तो ऐसा थोड़ी कि इन्होंने विकास नहीं किया। जो हाईवे, जो इंफ्रा के काम 10-10 किलोमीटर बनने चाहिए थे वो 2-2 किलोमीटर के फीता काट के हमारे कार्यकाल के किए गए कामों पर पोस्टर लगाकर और खड़े होकर तस्वीर साझा कर रहे, ये विकास है। इनके जुमले का इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि 2014 से जनता पूछ रही है कि भैया अच्छे दिन कहाँ चले गए, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद से तो कितने चुनाव हो गए दुबे जी, सुनिए तो पहले तो। वही तो उनको याद दिला रहा हूं कि इनके विकास कहाँ है। ये महाराष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं या ये गुजरात के विकास की बात कर रहे हैं या ये और किसी और राज्य के विकास की बात कर। हमारे महाराष्ट्र में अगर विकास हुआ होता तो आज हमारे जो नौजवान है वो रोजगार के लिए सड़कों पर नहीं आते। कहीं 500 लोगों की भर्तियां हैं तो आप 25,000 लोगों का तांता नहीं लग जाता, भगदड़ नहीं मच जाता। जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वो महाराष्ट्र और मुंबई के बीजेपी के प्रभारी बनकर आए हैं, टिकटों के बारे में लगे हैं, चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर अपने छठ मैया के पूजा के लिए और दिवाली के छुट्टियों के लिए जाते हुए हमारे नौजवानों ने भगदड़ में अपने आप को खोया, घायल हुए, उनकी दुर्घटना हुई है, वो बीमार है, हॉस्पिटलों में भर्ती है, ये इनका विकास है। तो ये जो विकास की बातें आप लोग करते हो ना, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आपने हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति की। जो इनके विधायक हैं, जो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बीजेपी के, उनके विधायक 5 साल पहले की आय क्या थी, आज उनके 5-5 गुना 10-10 गुना आय में वृद्धि हो गई, ये इनका विकास है। वादा किया था कि हमको 15 लाख देंगे और हमको 15,000, 15,000 कौन कहे, 1,500 रुपए दे रहे हैं, ये इनका विकास है। तो ये सारे विकास को लोगों ने अब समझ लिया है, इसीलिए लोगों ने महाविकास आघाड़ी को लाने का फैसला ले लिया है। 23 नवंबर के आपके इसी चैनल पर जब हम लोग बैठेंगे तो शाम तक सारे रुझान आगे रहेंगे, सारे नतीजे आगे रहेंगे, तब ये कहां भागेंगे। इनको लग रहा है कि हरियाणा में जीत गए हैं तो अब जो है पूरा देश हम जीत जाएंगे। अरे ठीक है, हरियाणा में आप जीते हैं, कुछ हमारी कमियां थी, उस कमियों की वजह से आप जीत गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई कमी नहीं है। आपके यहाँ अगर कोई भाग रहा है, बगावत कर रहा है, गोपाल शेट्टी जी नाराज हैं तो आप कह रहे हो हम प्यार से समझा लेंगे, हमारे यहाँ तनवानी नाराज होके कहीं जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि व्यापारी भाग गए। अरे जब तो अजीत दादा पवार, आप प्यार से समझा नहीं पाए ना, वो प्यार से समझा लेंगे वो दावा कर रहे हैं। तो अजीत दादा पवार जब भाग गए, जिनके चाचा ने पाल पोसकर उनको बड़ा किया, तो हम क्या करें, तनवानी को कितना बांध के रखते हैं। ठीक है, ठीक, अब नहीं, नतीजों तक इंतजार करना होगा। हो सकता है कि बहुत कुछ फिर इधर से उधर हो, लेकिन कृष्णा हेगड़े जी केवल ये जो विकास का सवाल उठा रहे हैं, आज ही जयराम रमेश की तरफ से भी ये कहा गया, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव है, मराठी अस्मिता की बात बहुत होती है, यहां तक कि बाहरी लोग कितने आ रहे हैं उसको लेकर भी ये सारी चीजें हमेशा विमर्श का विषय रहती हैं। लेकिन गुजरात बनाम महाराष्ट्र का जो एक नया विवाद छिड़ा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो एयरबस की जो फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया उसको लेकर भी विवाद उठा है, आपके हिसाब से ये विवाद है या नहीं है? देखिए, गुजरात तो हमारे देश में है, बाहर थोड़ी है कि इन लोगों को गुजरात से इतना आपत्ति है। तो पहले किसी ने कहा कि अरे गुजराती के दरबार में गए एकनाथ शिंदे और उनको वहां पर सीट मांगनी पड़ी। अरे जब अमित शाह जी और मोदी जी ने एक मराठा को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए हैं, इनके पास 40 विधायक है, तो आपको ये नहीं दिखा कि मराठाओं को मान दिया? आपको खाली देश तोड़ने की बात आती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई अरे हमारा चुनाव चिन्ह ले गए, हमारे पार्टी का नाम लिया, हमारे 40 विधायक लेके गए।
अरे आप क्या सोए थे क्या? आपको पता नहीं आपके 40-40 विधायक जा रहे, 110 विधायक आपके चले गए, आप क्या कर रहे थे, घर पे सो रहे थे? ये आपकी गलती है, हमको मत बोलिएगा ये। और दूसरी बात, कोविड के बारे में बात कर रहे थे, अरे कोविड में 6,000 करोड़ का घपला किया इन्होंने, घोटाला किया। 300 ग्राम का खिचड़ी 100 ग्राम दे दिया, और 200 ग्राम खिचड़ी तो ये खुद खा गए। उसके ऊपर जो दवाई का पैसा था, बॉडी बैग का पैसा था, बॉडी बैग 600 रुपये में लिया, लेना चाहिए था उसको 6,500 रुपये में लिया। ऐसा इनका घपला था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, मेट्रो का काम रुका दिया, अटल सेतु का काम रुका दिया, जो मेट्रो का शेड था आरे में उसका काम रुका दिया, कोस्टल रोड का काम रुका दिया, हर प्रोजेक्ट इन्होंने रुका दिए। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर से इनको वसूली कर रही थी, लेडीज बार से 100 करोड़ की वसूली कर रही थी, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रख रही थी, पालघर के वहां पर साधुओं की हत्या कर रही थी, सब करके ये बैठे हैं। और फिर अभी हमको बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अरे भाई, हम जो कर रहे हैं महाराष्ट्र के हित में कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं। और फिर से लोग ये जानते हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी, इसके लिए हमको भी विश्वास है और उनको भी हमारे पे विश्वास है। महेश चौहान जी, दूसरे जी महेश चौहान जी बताइए, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को क्यों नहीं पता था जब आपकी पार्टी खुद टूट रही थी, गलती आपकी। देखिए, ये चोर मचाए शोर जैसी बात हो गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। अभी इन्होंने जो किया ना, हम सो रहे थे कि क्या कर रहे थे, जनता ने इनको महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में बता दिया है। अब और क्या चाहिए इनको? तो अभी चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो सही किया, तो जाके आप जनता से बोलो कि क्या हुआ हम भाग गए, क्या हुआ हम लोग ने उनके पार्टी को तोड़ दे, और क्या हुआ हम लोग ने अगर उनके विधायक चुरा ले, क्या हुआ अगर हम लोग ने उनका पार्टी का नाम चुरा लिया। ये क्यों नहीं जाके ऐसे बोल देते? ये सिर्फ इधर चैनल पर आके हमें बोल रहे कि तो क्या हुआ हमने चोरी की। अरे आप जनता के सामने जाके भी यही बात करो, देखो आपको क्या जवाब मिलता है जनता से। श्वेता जी, जी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, सीधी से अगर हम देखें तो केवल उम्मीदवारों की जीत और पार्टियों की जीत की बात नहीं है, ये जो दो पार्टियां दो फाड़ हुई हैं, उन दोनों में से एक तो होता है जो अदालत में निर्णय आता है कि आप किस सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और आपकी पार्टी का नाम क्या हो सकता है, लेकिन ये चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो वो ये तय करेंगे कि जनता किसे असली एनसीपी और जनता किसे असली शिवसेना समझती है। ब्रिजमोहन जी, श्वेता जी, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलेगा उससे ये तय होगा कि कौन सी पार्टी असली है। लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि महेश भाई ने बोला चुराया, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पार्टी को चुराने का कोई काम किसी स्तर पर नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ लोग जो थे वो हमारी इस बात से असहमत थे कि देश के विकास के लिए अगर आज कोई सबसे बेहतर नेतृत्व कोई दे रहा है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और हमें महाराष्ट्र का यदि विकास करना है तो हमें आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम ताल करना चाहिए। ये बात हम लोग लगातार कह रहे थे, लेकिन कुछ लोग इस बात से असहमत थे। जो लोग असहमत थे उन्होंने हमारी पार्टी से पलायन कर लिया, हमारी पार्टी छोड़ के चले गए और उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली। तो किसी भी प्रकार की कोई चोरी या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ऐसी घटना नहीं घटी जैसा कि महेश भाई बोल रहे थे। बहुत ही स्पष्ट बात है, वो लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से सहमत नहीं है। हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से सहमत हैं, हम उनके साथ हैं। और यही कारण है कि आज महाविकास अघाड़ी के लोग विश्वास के साथ ये बात नहीं कह पा रहे कि वो लोग सरकार बना भी पाएंगे। बहुत स्पष्ट चीज है, क्योंकि अभी आने वाले 4.5 साल देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व काम कर रहा है, उनके सामने देश के 25 साल के विकास का एक ऐसा चित्र है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो किसी और नेता के पास नहीं है। और हम लोग उसी बात को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं, महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का मतदाता हमेशा और हमेशा विकास के लिए संवेदनशील रहता है। वो चाहता है कि महाराष्ट्र का विकास हो। यही कारण है कि आज देश के अंदर महाराष्ट्र सबसे नंबर एक का राज्य है, जिसकी सबसे ज्यादा आर्थिक यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार पूरी तौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और महाराष्ट्र में हमारे तीन नेताओं ने जो इस 2.25 साल में जो काम किया है, जनता के बीच में जाकर जो अपना उन्होंने विकास का संदेश दिया है, आम आदमी के जीवन स्तर को उठाने का जो काम किया है, इन बातों को लेकर हम लोगों को पूरा विश्वास है महायुति की सरकार बनने जा रही है। और यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी के लोग बोल ही नहीं पा रहे। क्या है इनके पास विकास का खाका? सिर्फ एक पुरानी बातों को कहकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। इनको ये नहीं बता पा रहे कि आखिर महाराष्ट्र में ये किन मुद्दों को लेकर वोट मांगेंगे, इनके वो मुद्दे क्या हैं,
अभी संजय राउत जी आएंगे, वो अभी सारे जितनी बातें होंगी। हालांकि चरण सिंह सापरा जी ने अपनी तरफ से उन मुद्दों का के बारे में बता दिया कि कौन कौन से मुद्दे वो छेड़ेंगे यहाँ पे। चरण सिंह सापरा जी, आपका आपका आपके कनेक्शन भी थोड़ा सा कमजोर हुआ था जी, आप अपनी बातों को रखिए। नहीं नहीं अभी हाँ नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की भूमि जो है ये संतों की, शूर वीरों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है, और शाहू फुले अंबेडकर की भूमि पर तोड़जोड़ की राजनीति को लोग स्वीकृत नहीं करेंगे, खोखे सरकार को स्वीकृत नहीं करेंगे, इनके ध्रुवीकरण के प्रयास को भी स्वीकृत नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना ही ये आप यहाँ पर आकर के हिंदू मुस्लिम कर लें या पोलराइजेशन का काम कर लें, यहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत लोग चलने के लिए तैयार है। महाविकास आघाड़ी जो है वो संविधान को प्राथमिकता देती है, संविधानिक तौर तरीकों को प्राथमिकता देती है, और महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र की जनता के हित के काम करना चाहती है। हमें जो 2 साल मिले थे उसमें भी हमने महाराष्ट्र की जनता के हित काम किए, हालांकि उसमें से 24 महीनों में से 21 महीने या 22 महीने हमारे कोविड में चले गए, लेकिन जो भी समय हमारे पास था हमने ये देखा कि महाविकास आघाड़ी विकास का काम करे। हमने खोखे बांटने का काम नहीं किया, हमने 40% कमीशन का काम नहीं किया, हमने मंत्रालय को घोटालेबाजों का अड्डा नहीं बनाया, हमने कोई टेंडर के ऊपर 40% कमीशन खोरी का काम नहीं किया। ये सब धंधे इन्होंने किए हैं जो जनता जानती है। जनता के बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं, जनता के बीच में ये मुद्दे चल रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को दूसरी पार्टी में भी भेज रही है। उनको उनको अजीत पवार गुट से लड़ाना चाहती है, उनको उनको एकनाथ शिंदे की पार्टी से लड़ाना चाहती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी जो है ये अब पार्टी नहीं रही है, ये पार्टी का समापन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनको ओवरटेक करना चाहती है। देखो किस तरह से बौखलाए हैं, अब इनकी सच्चाई सामने रखी है। ये महाराष्ट्र द्रोही है, महाराष्ट्र की अस्मिता को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। ये मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की अस्मिता के मुद्दे हैं, महाराष्ट्र द्रोही हैं आप। आपने यहाँ पर गद्दारों को पनपाया है, आपने गद्दारों को जन्म दिया है, आपने खोखे बांटे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच जो राजनीति में वो देखा है, ये जनता ने नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ साबरा जी अपने अपनी बात रखी जो पहले जी आपने अपनी बात रखी, आपने सारे आरोप लगाए हैं। ये प्रेम शुक्ला जी ये भी बताइए, और वो सवाल जो मैंने दरअसल शिवसेना से जाना, मुझे आपसे भी समझना है इस बात को कि जिस पैमाने पर गुजरात बनाम महाराष्ट्र की बात होने लगी है, जिस तरीके से बयान अभी चरण सिंह सापरा जी ने भी ये बात कही है कि जो बिजनेस महाराष्ट्र को आना चाहिए वो चला जाता है गुजरात को, आपको लग रहा है कि क्या इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है या महाराष्ट्र की जनता समझ रही है? देखियो आप महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कौन कर रहा है? औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाला छत्रपति शिवाजी का सबसे बड़ा शत्रु औरंगजेब, औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाला इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक अहमद के शान में कविताएं लिखता था उसको ये सांसद बना के भेजते हैं। क्या औरंगजेब की, औरंगजेब की संतान कौन है? ये साफ हो गया। औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले, दाऊद इब्राहिम पर कविता लिखने वाले, ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को आप देखिए चिचिया रहे हैं। चिचियाना बता रहा है ये कैसे बौखलाए है, कैसे बौखलाए। गुजरात के सामने मत झुकिए, लेकिन इटली वाली भाई के चरण चाट लीजिए। इटली वाली भाई के सामने जो महाराष्ट्र की अस्मिता को न्यौछावर करते हैं। शुक्ला जी फिर दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा नहीं, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा होगी कुछ। आप नाम का इस्तेमाल कर लीजिए, इस तरह के शब्द मत बोलिए। आप अपना मुद्दे रखिए ना, मुद्दे रखिए। गलत शब्द है भाई, इटली वाली भाई नहीं है वो, इटली वाली भाई नहीं है वो आपको गद्दार कहे, मैं इटली वाली भाई ना कहूँ, वो सबसे पवित्र हो गई आज तक की निगाह में। इटली वाली भाई पवित्र हो गई, हमको गद्दार कोई कह दे, हमको धोखेबाज कोई कह दे, वो इटली वाली भाई 420 उस 420 ही जो 420 प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी बात रखिए, बात रखने पे नहीं, और ये आज तक को प्रिय या किसको प्रिय टाइप की बातों को आप नहीं करें तो बेहतर होगा। आप अपनी बात रखें, उस पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का नहीं।
क्योंकि दूसरी तरफ से भी होता है, उस पर भी हम बोलते हैं, ये इस चीज के बारे में नहीं। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात जरूर रखिए। गला शब्द कैसे है? मैं गला शब्द नहीं बोल रहा हूं, आज तक गलती कर रहा है। जीजा भाई हमारे यहाँ आदरणीय शब्द है, तो इटली वाली बाई कैसे जो अपमान हो गया? क्या बात कर रही हैं आप? सावित्री बाई हमारे यहाँ जो है वो नहीं, आपका अभिप्राय गलत है। प्रेम शुक्ला जी, अभिप्राय गलत है। नहीं नहीं नहीं, इतनी मासूमियत की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं है। क्या मासूमियत है? सत्य में बोल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप सत्य भले बोले लेकिन गलत शब्दों के साथ बोलेंगे तो सत्य अच्छा नहीं लगता। नहीं तो इटली वाली बाई कोई गलत नहीं बोला, गद्दार बोला गया और आपने उसको सहा। गद्दार किसको आप कहा? कांग्रेस वाले गालियां देते हैं और आज तक उसका समर्थन करता है, हमको कहा? बाप रे, ये विक्टिम कार्ड इंसान तभी खेलता है जब वो बैकफुट पर रहता है। तो सोच समझ कर आप ये करिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत चीज है। और जो सुनने वाले लोग हैं वो भी इस बात को समझते हैं। आप लोग किसी भी तरह का प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, हम टोकते हैं, तब आपको नहीं लगता है ये कि आज तक वाले किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, ये नहीं, आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। आज तक को भाषा का जो है ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। मुझे भाषा के बारे में आपसे बेहतर ज्ञान है, आप ये बता दीजिए कि 28 तो फिर मुझे भी आपसे ज्ञान नहीं। चरण सिंह सापरा जी, मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ फ्रेंडली फाइट्स आपकी होने वाली है सोलापुर साउथ को लेकर? प्रवक्ता सिखाएंगे कि डिबेट किस तरह से चलानी है? नहीं नहीं, वैसे तो सारे प्रवक्ता सिखाते हैं आजकल, इसलिए वो बात छोड़ देते हैं हम। सोलापुर साउथ पर कांग्रेस और उद्धव के उम्मीदवार ये सिखा रहे ना, मुंबई क्षेत्र की 5 सीटों पर का सत्ता का प्रभाव नहीं तो और क्या है? आप वो मुद्दे छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि फ्रेंडली फाइट कहीं कहीं पर तो नहीं लड़ाई आपकी होने वाली है महाराष्ट्र में? चलिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर फ्रेंडली फाइट जैसी कोई परिस्थिति है। ऐसे कोई बात महाविकास आघाड़ी में नहीं है। हमने अपनी सारी सीटें सेटल कर ली हैं और जो कैंडिडेट डिक्लेयर करने हैं वो आज रात तक सारे उम्मीदवार मेरे ख्याल से तीनों पक्षों के हो जाएंगे। मैं कांग्रेस की खातिरी ले सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी बचे हुए उम्मीदवार होंगे, वैसे ज्यादा बचे नहीं है, लेकिन जितने भी बचे हुए हैं वो आज रात को डिक्लेयर हो जाएंगे।